हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिफेंस वुमेन जॉब्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो रहने वाला है JKSSB जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के बारे में। वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसका फाइनल आंसर की कब तक आ सकता है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी टाइप के वीडियो के लिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, JKSSB का जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है जनवरी मंथ में करवाया गया था, जिसका आंसर की ऑफिशियली रिलीज कर दिया है JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और बहुत सारे बच्चों का यही डिमांड रह रहा है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। यूट्यूब पे और सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें बताया गया है कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, रियल एनालिसिस पे बात करेंगे। रैंक IQ जो डाटा JKSSB कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करके आपने जो रैंक चेक किया है वहां से ही हम ऑफिशियल डाटा लेके आपको बताएंगे इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है JKSSB के एस्पिरेंट्स के लिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने पहले ही बता दिया, रैंक IQ ने जो भी यहाँ पर कट ऑफ निकाला है वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वहां से लिया गया है। यहाँ कोई एक्चुअल आपको 100% कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर वही कट ऑफ देखने को मिलेगा जो कि बच्चों ने अपने मार्क्स यहाँ पर जो दिखाए हैं उसी के बेस पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज स्कोर देखने को नहीं मिलेगा, खाली आपको यहाँ पे एग्जाम का रॉ मार्क्स देखने को मिलेगा। बात करें हम यहाँ पर कैटेगरी की, तो ओपन मेरिट की वैकेंसी 750 रहने वाली है, जिसमें टोटल शॉर्टलिस्टेड बच्चों की बात करें 1128 रहने वाले हैं। RB की बात करें 220 वैकेंसी रहने वाली है इसमें। ALC की बात करें 60 वैकेंसी रहने वाली है। EWS में आपको 150 वैकेंसी देखने को मिलेगी। SC की बात करें तो 170 और ST की बात करें तो 150 देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर शिफ्ट वाइज यहाँ पर रॉ मार्क्स की, तो बात करें 24 जनवरी की बात करें, इसमें ओपन मेरिट का जो रॉ मार्क्स, जो एवरेज रॉ मार्क्स जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 58.75 यहाँ पर मार्क्स बन रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें RBA की, तो यहाँ पर 48.75 यहाँ पर मार्क्स बन रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर ST की, तो 29 मार्क्स बन रहे हैं, 29.50 मार्क्स बन रहे हैं इनके। ओपन मेरिट की बात करें 24 जनवरी शिफ्ट 14 में, तो 58.75 मार्क्स बन रहे हैं इनके। और RBA की बात करें तो 48 point something इनके मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ST की, तो बहुत ही कम यहाँ एवरेज मार्क्स देखने को मिले हैं, 31 मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे 20 जनवरी की, तो ओपन मेरिट का यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ 62 पहुँच गया 58 से लेके। RBA की बात करें तो 53 पहुँच गया यहाँ पर। EWS की बात करें तो 28 रहने वाला है। ST की बात करें तो 35 रहने वाला है यहाँ पर। ओपन मेरिट की शिफ्ट 14 की बात करें तो 60 यहाँ पर दिखाया गया एवरेज स्कोर यहाँ पर बच्चों का। RBA की बात करें तो 50। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो शिफ्ट का लेवल है वो भी इजी और हार्ड रहने वाला है यहाँ पर, इसी वजह से आपको जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो भी वेरी करेगा शिफ्ट टू शिफ्ट यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें EWS की, तो 25 मार्क्स रहने वाला है आपको। अगर आप चाहते हैं कि पूरा PDF आप अगर देखना चाहते हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, हमारी टेलीग्राम चैनल डिफेंस गवर्नमेंट जॉब्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ हम आपको यहाँ PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ वहाँ जाके यहाँ ये PDF देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ST कैटेगरी की 20 जनवरी की, तो 31 मार्क्स रहने वाले हैं। यहाँ पर बात करें ओपन मेरिट की 21 जनवरी की, तो 56 यहाँ पर मार्क्स रहने वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें RBA की, तो 46 मार्क्स रहने वाले हैं। 21 जनवरी की बात करें ST की, तो 29 मार्क्स रहने वाले हैं। ओपन मेरिट की बात करें 21 जनवरी शिफ्ट 14 की, तो 54 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं यहाँ पर। 21 जनवरी की बात करें RBA की, 43 मार्क्स रहने वाले हैं। और यहाँ पर ST की बात करें तो 26 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी शॉर्ट लिस्ट रेशियो 2 दी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो दिखाई गई है वो शॉर्ट लिस्ट रेशियो 1.5 है आपकी, तो हमने आपको दिखा दी। अगर आप सारी की सारी PDF देखने चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस गवर्नमेंट जॉब्स। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में हमने बताया आपको जो भी कैंडिडेट्स के रॉ मार्क्स बढ़ रहे हैं यहाँ पर एवरेज के हिसाब से, वो हमने आपको दिखाई यहाँ का कट ऑफ वेरी कर सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपके ऐड होंगे। बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो
जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मलाइजेशन जो रहने वाला है किस बेस पे रहने वाला है। तो बात करें नॉर्मलाइजेशन की, वो वेरी करेगा आपका शिफ्ट टू शिफ्ट, शिफ्ट हार्ड या इजी है। और नेक्स्ट बात करें आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, आपका एक्यूरेसी भी मैटर करता है यहाँ पर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स।